अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शेवपुरी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और घर पर हम बना सकते हैं दोनों चटनी के साथ। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार शेवपुरी। ये रेसिपी बनाने के लिए पहले हम हरी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए दो हरी मिर्च, तीन लहसुन की कली, आधा कप पुदीना और एक कप ले लिया है मैंने हरा धनिया। तो इसे हम ग्राइंड करेंगे और इसकी चटनी बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए गाढ़ी चटनी हमें बना लेना है और इस पर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाएंगे लाल चटनी। तो लाल चटनी बनाने के लिए मैंने ले ली है 100 ग्राम इमली, जिसकी बीजें निकाल ली है। तो और अब इसे हमने 15 मिनट पहले से मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था। तो ये देखिए अच्छे से भीग गई है। तो अब हमें इसे पकाना है लो फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। तो 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकते हुए हो गए हैं। तो ये देखिए अब ये इमली जो है वो फूलने लगी है और सॉफ्ट हो रही है। तो इसे हम और 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इमली अच्छी तरह से फूल जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने और पकाया है। टोटल मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक पकाया है लो फ्लेम पर और ये इमली अभी फूल गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और हमें चटनी को ग्राइंड कर लेना है ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। तो ये हम इमली का पल्प इसमें डाल देंगे। और थोड़ी थोड़ी करके हम पूरी इमली को पीस लेंगे। तो हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे पीस लिया है। अब हमें इसे करना है छन्नी ताकि एकदम चटनी जो है हमारी बहुत ही अच्छी बने। तो हम इसे छन्नी कर लेंगे ताकि जो भी इसमें जो किरकिरापन होगा इमली का वो सब नहीं आएगा। और ये हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है मिक्सर जार का ही। और अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इमली को छान लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं और पानी ऐड कर रही हूँ ताकि पूरा जो इमली का पल्प है वो चला जाए नीचे। तो इस तरह से आपको इमली को छान लेना है। तो ये देखिए एकदम स्मूथ हमारा इमली का पल्प निकल कर तैयार हो चुका है। तो अब हमें इसे फिर से पकाना है। तो हम यहाँ पर एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून तेल, थोड़ा सा ज़ीरा और चुटकी भर हींग हम इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने इमली का पल्प निकाल लिया था वो। मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक हम इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इमली का ही बचा हुआ पानी भी ऐड कर रही हूँ और हम इसे पकाते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छी तरह से देखिए जब उबाल आ जाए तब तक हमें पकाना है। तो इसे मैंने 3 मिनट तक पकाया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो यहाँ पर जितनी हमने इमली ली थी उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो 100 ग्राम मैंने इमली ली थी तो 100 ग्राम ही हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। गुड़ को मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसमें इमली में ऐड कर दिया है। अब हमें गुड़ को पूरा मेल्ट होने देना है। तो हम इसे पकने देंगे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक कि गुड़ जो है वो पिघल नहीं जाता। तो ये देखिए अभी अच्छी तरह से गुड़ पिघल गया है। तो और इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर ताकि चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो ये 2 मिनट तक मैंने फिर से पका लिया है चटनी को। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे इमली की चटनी जो है हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसे हम कर लेंगे मिक्स और फिर से हम इसे पका लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। चटनी को हमें लो ही फ्लेम पर पकाना है। और ये देखिए चटनी हमारी जो है वो गाढ़ी होती जा रही है और ये हमारी खट्टी मिट्टी चटनी भी बनकर तैयार है। तो इसे हमने 1 मिनट तक पका लिया है, सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए हमारी चटनी कितनी बेहतरीन बनी है, जिसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में लगभग 1 महीने के लिए और आप इसे सर्व कर सकते हैं कोई भी रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है सेवपुरी के लिए चपटी पूरी। इस पे हम रख देंगे उबले हुए आलू
तो ये हमने आलू रख दिया, इस पे हम रख देंगे कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, साथ में हम इसमें रख देंगे कटे हुए टमाटर बारीक कटे हुए। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे। और अब हम इस पे रखेंगे हरी चटनी जो हमने तैयार की थी वो, और साथ में जो हमने खट्टी मीठी चटनी बनाई थी वो रख देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चटनी को यहाँ पर कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। और रख देंगे हम इस पर सेव, तो ये बारीक सेव मैंने ले ली है, और ये हमारी मार्केट जैसी सेव पूरी बनकर तैयार है। तो इस पर हम थोड़ा सा नींबू स्प्रिंकल कर लेंगे और चने की दाल, और ये हमारी बेहतरीन सेव पूरी बनकर तैयार है जिसे हमने चटनी के साथ बनाया है दोनों। थोड़ा सा ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।